हम बहुत प्राउड फील करते हैं जब हमारे देशवासी विदेश जाते हैं, तरक्की करते हैं। उसके बाद वो खुशी चौगुनी हो जाती है जब वो अपने देश में आकर अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ और करते हैं। इसी हर्षोल्लास को मनाने के लिए हम भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, जहाँ जो NRI जो विदेश गए हैं उनका जो भारत के लिए कंट्रीब्यूशन है उसको याद किया जाता है, उनको अवार्ड दिया जाता है। इसको 2003 से हम लगातार बना रहे हैं। पहले हम हर साल मनाते थे और 2015 के बाद इसे 2 साल में एक बार मनाया जाता है। इसको मनाने का मुख्य कारण था कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को विदेश से लौट के आए थे। विदेश मतलब साउथ अफ्रीका में थे उस समय, वो साउथ अफ्रीका से लौट कर आए थे मुंबई। तो उस दिन को याद रखने के लिए उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया लौट के आकर इंडिया में, उस कंट्रीब्यूशन को याद करने के लिए हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। 2015 के बाद हर 2 साल में सेलिब्रेट किया जाता है। इस मतलब 2023 में ये सेलिब्रेट किया जा रहा है इंदौर में। आप इंदौर का थोड़ा देख सकते हैं किस तरीके से पूरा इंदौर सजाया गया है। विदेश से बहुत सारे डेलीगेट्स आते हैं, उनके जो उनको अवार्ड दिए जाते हैं, उन्होंने जो भारत के लिए किया है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनकी तारीफें होती हैं। वो भी देखते हैं कि इंडिया में उनको एक प्राउड फील हो रहा है, लोगों को प्राउड फील हो रहा है कि आपने कुछ किया है। तो ऐसे और भी NRI होते हैं, वो मोटिवेट होते हैं देश के लिए कुछ करने के लिए। तो इस सिलसिले को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल इंदौर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप भी इसकी हाइलाइट्स देखें कैसे सेलिब्रेट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।